हमेशा तैयार रहो। इंसान आखिरत के लिए तैयार रहे। परवरदिगारा जब भी तेरी तरफ से आवाज आए मैं लब्बैक कहूंगा। रैदान गिरामी, ये इंसान दुआ के दर्जात है। किसी बहुत बड़े आलिम से किसी ने सवाल किया, कहा अगर आपको पता चले, एक डॉक्टर साहब थे, कहने लगे बहुत बड़े मुझे से, अब वो उनका इंतकाल हो गया इसी साल जिनसे सवाल किया था, कहा अगर आपको ये पता चले कि आपके एक महीना रह गया इंतकाल में, मोहलत दिया डॉक्टर ने आपको एक महीने की, वो डॉक्टर साहब थे तो उन्होंने कहा हम मोहलतें देते रहते लोगों को कि भाई अब तुम्हें ये हो गया एक महीना है छः महीने हैं, कहा अगर आपको ये पता चले कि एक महीना है बस, एक महीने की मोहलत है, एक महीने में आप मर जाएंगे, तो आपकी ज़िंदगी में क्या तब्दीली आएगी। वो ये देखना चाह रहे थे कि मैं अपने आप को किस चीज़ में इम्प्रूव करूँ। ये आलिम इतने बड़े मुज्तहिद, इतने बड़े आलिम आयतुल्ला हैं, ये क्या अपने अंदर तब्दीली लाएंगे। तो कह लेंगे आपको अगर डॉक्टर एक महीने की मोहलत दे दे तो आप में क्या तब्दीली आएगी, आप अपने अंदर क्या तब्दीली लेके आएंगे। कहा मुझ में कोई तब्दीली नहीं आएगी। कहा एक महीना आपको मोहलत मिले कोई तब्दीली नहीं आएगी। कहा नहीं। कहा क्यों? कहा क्योंकि तब्दीली मैं पहले ला चुका हूं, मैं मौत के इंतजार में तब्दीली नहीं लाऊंगा। जो मौत के इंतजार में, एक बहन ने किसी ईसाई की गाड़ी के पीछे ये जुमला देखा, बहुत मुझे प्यारा लगा, ये अमेरिका में या कनाडा में कहीं देखा मुझे याद नहीं है, मैंने किसी जगह पे देखा, अंग्रेजी का जुमला था इसलिए इंग्लिश मुल्क में रहा होगा। तो गाड़ी के पीछे किसी हजरत ईसा के मानने वाले ने, क्रिश्चियन ने जुमला लिखा हुआ था कि द वंस हु वांट टू रिकॉग्नाइज गॉड एट द 12th आवर, यानी जो खुदा को 12वें घंटे में पहचानना चाहते हैं, व्हाट इफ दे डाई एट 11th आवर। वो जो चाहते हैं कि मैं खुदा को 12वें घंटे में पहचान लूंगा, यानी मौत के आखिरी लहजे में, 12वां घंटे कहते हैं आखिरी, मौत का जब आखिरी, बस मौत आने वाली है, चलो भाई तौबा तायब हो जाओ, आज के बाद से गुनाह नहीं है, बस मरने वाला हूं। क्या वो जो ये सोचते हैं मैं 12वें घंटे में खुदा को पहचान लूंगा, उन्हें क्या पता कि 11वें घंटे में नहीं मर जाएंगे। भाई इंसान इस तरह से अल्लाह से मांगे, मौला अली अलैहि सलाम का जुमला मैं जब पढ़ता हूं तो अजीब गरीब कैफियत हो जाती है नहजुल बलागा में। मौला कहते हैं नेकी ऐसे करो कि हमेशा यहां रहोगे और बुराई ऐसे करो कि अगले लहजे में मर जाओगे। पता नहीं पहुंचा पाया हूं या नहीं। नेकी ऐसे करो, क्या होता है, अरे ये इमाम मरगा में इतनी मेहनत क्यों करूं, पता क्या पता मैं मर ही जाऊं। मौला कहते नहीं, नेक काम ऐसे करो कि नहीं हमेशा रहोगे, यानी नेक काम को पायदारी के साथ करो और बुराई को ऐसे करो कि अगले लहजे में मर जाओगे, यानी ऐसा ना करो कि मैं करता रहूंगा, पता नहीं लोग हैं या नहीं है। गुनाह को बुराई को बहुत छोटा और नेकी को ऐसे कि हमेशा जारी रहेगी। तो मौला फरमा रहे हैं कि इंसान जब बैठता है भाई इस अंदाज से दुआ मांगे कि जैसे बच्चा रोते हुए माँ से दूध मांगता है, जब दुआ में आए तो जल्दबाजी ना कीजिए। बहुत से लोग बैठते हैं परवरदिगारा गाड़ी दे दे खुदा हाफिज, भाई जल्दबाजी में नहीं होती दुआ। मौला फरमाते हैं अगर दुआ कबूल करवानी है तो कुछ उसूल है, पहले सदका दो, तसद्दक तरज़्ज़क, सदका दो रिस्क नाजिल करवा लो। पता नहीं लोग है या नहीं। एक बहुत बुजुर्ग आलिम ने एक वाक्य सुना है, वो कहते हैं कि एक आदमी किसी मस्जिद में गया, दुआ मांगना चाहता था, परवरदिगारा मेरा ये काम है मुझे $1,000,000 दे दे, दुआ मांग रहा था बेचारा, छोटी मोटी तो दुआ थी नहीं, $1,000,000 करीब में, एक आदमी परवरदिगारा $1 दे दे $1 दे दे $1, उन्हें बहुत बुरा लगा, कभी तुझे समझ में नहीं आता मैं मिलियन मांग रहा हूँ, तू मुझे शर्मिंदा कर रहा है, कोई बड़ी चीज़ मांग, कभी जिसके पास जो नहीं होता वो वही मांगता है। तो कहेंगे क्या करेगा $1 का, खाना खा लूँगा, उसने निकाल के दिया $1, कहेंगे ये $1 प्लीज यहाँ से उठ, तो उसको पैसे दे के उठा दिया। क्या परवरदिगारा तेरी बारगाह में दो आदमी मांग रहे थे, मैं और वो, उसकी हाजत रवाई मैंने कर दी, अब मेरी तेरे जिम्मे, पता नहीं लोग हैं या नहीं। देखिए मांगे तो पहले सदका दे फिर मांगे, दुआ रद्द नहीं होगी। इसीलिए कहा जाता है कि अल्लाह के बहुत से जो बंदे मांग रहे हैं उनको अता तो करो, दे के तो आओ, जब आओगे अब मांगने का जी भी करेगा, अरे अभी मैं किसी की हाजत रवाई करके आया हूं। पता नहीं बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है। अजाने की रामी, ये निजाम है कायनात का, चलता रहता है, आपका इसके अंदर कितना अमल दखल है। अल्लाह सुबहान व तआला पे पूरा का पूरा निजाम है। मैं सिर्फ एक दुआ की सजावत पे पेश कर रहा हूँ, अल कलामो यजुर्रुल कलाम, बात से बात निकलती है, ये अरबी का जुमला है, किसी ने उसको उर्दू में तर्जुमा किया है, अल कलामो यजुर्रुल कलाम, उर्दू में कहते हैं आप लोग बात से बात निकलती है, ऐसे ही है। तो उन्होंने किताब लिखी है मरहूम
जंजानी ने सईद हुसैन बहुत उन्होंने पूरी किताब किताब का नाम ही रखा बात से बात निकलती है तो अरबी में किताब लिखी तो कह लेंगे न्यूयॉर्क में आपको पता है 50s 60s में स्काई स्क्रेपर्स का बड़ा शौक चढ़ा कि ऊंची ऊंची बिल्डिंगें बनेंगी तो बनाने लगे बहुत ऊंची ऊंची बिल्डिंगें बनाएंगे शुरू शुरू के अंदर उनको पता नहीं था कि लोग खिड़की खोल के बाहर छलांग लगा देंगे खुदकुशी कर लेंगे तो डिप्रेस हो जाते हैं तो खुदकुशी कर लेते हैं तो एक आदमी ने कहा कि भाई मैं बहुत डिप्रेस हूँ तो मुझे खुदकुशी कर लेनी चाहिए उसने कहा क्या करूँ कि लोग बचा ना लें कह लगे मैं जहर खा के छलांग लगा देता हूँ जहर खा के जहर से ना मरा तो इतनी ऊंची बिल्डिंग से गिर के मर जाऊंगा बात पहुंच रही है खुदकुशी के उसने दो दो बहुत सोच समझ के उसने कहा छलांग लगाऊंगा वहां से गिरूंगा सीधा नीचे गिर के सर फटेगा मर जाऊंगा नहीं तो जहर तो खा ही लिया तो उसने जल्दी से पूरी बोतल जहर की पी और विंडो खोल के फौरन छलांग लगा दी जैसी छलांग लगाई तो तारों में फंस गया और उसके जो है उल्टा लटका कह हो गई सारा जहर निकल गया वो इमरजेंसी सर्विस आई उन्होंने उसको उतार लिया कहा क्या कर रहे थे कहा खुदकुशी की कोशिश कर रहा था जहर पी लिया था जहर भी निकल गया कह हो गई घबराहट के अंदर और मरा भी नहीं तो कहा कि किस नतीजे पे पहुंचे हो कहा इस नतीजे पे पहुंचो कि कोई और है जो हमारे फैसलों पे हमसे ज्यादा कुदरत रखता है पता नहीं लोग हैं या नहीं है भाई नहजुल बलागा में मौला ने फरमाया मैंने लोगों के टूटते हुए इरादों से खुदा को पहचाना है अरफ्तुल्लाह बिफसलंतर सलावा अल्लाहुम्मा सल्ला मुहम्मद अलैहि और फरमाया आपने अरफ्तुल्लाह बिफसखिल अजाइम बहुत से लोग कहते हैं मैंने अपने टूटते हुए नहीं मौला ने ये नहीं कहा अजाइमी मैंने अपने ये नहीं कहा कि अपने टूटते हुए इरादों से खुदा को पहचाना अरे वो इमाम ही क्या इमाम जिसके अपने इरादे टूट रहे हो वो हुज्जत खुदा कैसा जिसके अपने इरादों में सबात ना हो तो मौला ने ये नहीं कहा कि मैंने अपने टूटने कहा कि मैंने इरादों के टूटने से लोगों के इरादों के टूटने से खुदा को पहचाना है कि लोग इरादे करते हैं खुदा कहता है तुम्हारे हाथ में सब कुछ नहीं है कोई खुदा भी है बात पहुंच रही है तो यानी गिरामी इसलिए दुआ में इंसान जब भी बैठे तो इस तरह से बैठे कि भाई इस्तजाबत उसके हाथ में है कबूलियत का दर्जा उसके पास है मांगना मेरा काम है अब इंसान अल्लाह के ऊपर छोड़ दे अलैकुम बिसाई वलैसा अलैकुम बिनुज जनाब अमीर का बड़ा अजीब गरीब फरमान है गुरारुल हकम के अंदर बस भी 5 मिनट रह गए उसके बाद मैं इंशाल्लाह मसाइब पे आ जाऊंगा तो मौला फरमाते हैं कि अलैकुम बिसाई वलैसा अलैकुम बिनुज तुम्हारा काम है कोशिश करना कामयाबी अल्लाह के हाथ में है बहुत बड़ी हदीस है सोने के पानी से लिखे जाए मौला फरमाते हैं तुम्हारा काम है कोशिश अलैकुम बिस्साई कोशिश करना तुम्हारा काम वलैसा अलैकुम बिस नुज कामयाबी हासिल करना तुम्हारा काम नहीं है मैंने कोशिश की कामयाबी अल्लाह के हाथ में है वो कामयाबी दे ना दे अगर इंसान कोशिश कर ले तो कह सकता परवरदिगार मैंने कोशिश की थी मसलहत तेरी के तूने कामयाबी नहीं दी अब आप दुआ मांगे तो कबूल ना करे तो फिर कहिएगा जब मांगा ही नहीं तो गिला कैसा बहुत से लोग गिले करते रहते हैं मुझे ये मेरी शायद नहीं मिली वो भाई आपने मांगा था मांगा है तो फिर अल्लाह से कहे ना परवरदिगार तूने नहीं दिया बहुत से लोग कहते हैं मैं तो 100 दफा मांग चुका हूं मैं तो 200 दफा मांग चुका हूं मांग लिया लेकिन उसके अंदर मसलहत अल्लाह के हाथ में फैसला है कि मसलहत है या नहीं है तब इंसान बाज़कात ऐसी चीज़ें मांग लेता है जो उसके लिए नुकसानदेह होती है मैं एक दुआ की मिसाल देना चाहूँगा टाइम अभी है थोड़ा सा है एक सहाबी रसूल थे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनका नाम था सालबा वैसे तो गीदड़ को कहा जाता है लेकिन अरबों में जानवरों पर नाम रखने का रिवाज आम मैं ऊँट पे भी नाम रख लेंगे शेर पे भी मुख्तलिफ नाम है शेर के असद है हैदर है सब मुख्तलिफ नाम रखते हैं मुख्तलिफ जानवरों पे नाम रखना एक आम रिवाज है अरबों में तो बहुत गरीब फ़कीर नादार थे सहाबी रसूल नाम था सालबा अब गरीब थे तो जैसे कोई सदका लेके आता या रसूलल्लाह सदका लेके आया तो कहा ये मेरे गरीब सहाबी इन्हें खिला दो या रसूल ये लेके आते इनको दे दो बेचारा सब कुछ पहले सालबा को ये गरीब आदमी है इसको पहले दे दो कुछ भी आया पैगंबर के लिए या रसूल खुदा आपके लिए खाना लाया था सालबा को पहले खिला दो रसूल खुदा मस्जिद आते तो पहले सालबा को सलाम